अमित जोगी पर निशाना साधा है। कुएं के मेंढक की तरह घर में बैठकर कर रहे हैं राजनीति। आदिवासियों के हित में सरकार लगातार काम कर रही है। आदिवासियों के लिए सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। अमित जोगी को बस्तर जाकर देखना चाहिए, ये दीपक बैज ने कहा है। 2018 के पैटर्न पर कांग्रेस 23 का भी चुनाव लड़ेगी। संकल्प शिविर में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ये बयान दिया। बस्तर चलना चाहिए, बस्तर देखना चाहिए, बस्तर में डेनेक्स फैक्ट्री देखना चाहिए अमित जोगी को, बस्तर की अस्पताल देखना चाहिए अमित जोगी को, बस्तर की स्कूल देखना चाहिए अमित जोगी को, बस्तर की सड़कें देखना चाहिए, बस्तर की इमली प्रोसेसिंग प्लांट देखना चाहिए, वहाँ के युवाओं को कैसे रोज़गार मिला, माता बहनों को कैसे रोज़गार मिला, ये अमित जोगी को देखना चाहिए। अब एक कुआं की मेंढक जैसा घर में बैठ कर राजनीति करने से अमित जोगी से जो बोल रहे हैं वो कहीं पे भी सही नहीं है। मध्य प्रदेश में अपनी मांग को लेकर 19,000 पटवारी सामूहिक हड़ताल पर हैं। पिछले 4 दिनों से पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है। पटवारियों ने अपनी मांग को पूरा करने को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। आज बड़ी संख्या में पटवारी भोपाल में तिरंगा यात्रा उन्होंने निकाली। इस दौरान अटल पथ से मुख्यमंत्री निवास तक रैली में हजारों पटवारी शामिल हुए। हालांकि पुलिस ने अटल पथ पर बैरिकेडिंग कर पटवारियों के तिरंगा रैली को रोक दिया। तो पटवारियों के द्वारा हड़ताल जो है लगातार जारी है। अपनी मांग को लेकर चौथे दिन भी हड़ताल उनकी जारी रही। 5 सूत्री मांगों को लेकर पटवारी हड़ताल कर रहे हैं। अटल पथ से सीएम हाउस तक पटवारियों द्वारा रैली निकाली गई। प्रदेश के 19,000 पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं और लंबे वक्त से इसी तरह से इनके द्वारा मांग की जा रही है और अब हड़ताल की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। चौथे दिन भी हड़ताल पटवारियों की जारी रही। खबर जबलपुर से है जहां स्मार्ट मीटर लगाने गए एमपीईबी के अधिकारी और उपभोक्ता के बीच विवाद हो गया। गढ़ा क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान उपभोक्ता और एमपीईबी के अधिकारी आमने सामने आ गए। लोगों का कहना है कि इसके पहले भी बिजली के मीटर बदले गए और कहा गया कि जितनी बिजली जलेगी उतना ही बिल आएगा, लेकिन परिणाम इसके विपरीत हुए और लोगों की खपत तो उतनी ही रही लेकिन बिल ज्यादा आने लगे। इसे लेकर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही और अधिकारी बिना मीटर बदले ही चले गए। आज ये समस्या हुई है सर कि हमसे भी अगर पूछे मीटर बदला गया और हमारा बिल आता है हर महीने 5,000, 4,000, 10,000, ठीक है ना, और हमसे बेटर बताए मीटर इन लोगों ने लगा दिया है। तो हमारा निवेदन ये है कि हमारा बिल इतना नहीं आना चाहिए, 90 रुपये या 100 रुपये आना चाहिए। तो मीटर लगा तो वो लगा दिया जाए और अगर नहीं बदल रहे तो फिर एक एक स्मार्टफोन तो खुद दे दें। नहीं, अगर 5,000 बिल आ रहा है तो नहीं देंगे, 600 रुपए देंगे। इससे ज्यादा नहीं देंगे, 100 या 90 बस यही हो फायदा हमारे पास और कुछ नहीं। भैया रोजी रोटी कमाते हैं रोज। धार की बात करेंगे जहां चुनावों के मद्देनजर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और इसी दौरान रिंगनोट से पुलिस ने ट्रक से 22 लाख की 715 पेटी अवैध शराब बरामद की। बताया जा रहा है कि ट्रक में अवैध शराब भरकर इंदौर से गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक के चालक को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ शुरू की। और मंदसौर में बारिश के लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं, तरह तरह के टोटके किए जा रहे हैं। भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए लोगों ने पहले शमशान में गधे से हल जुतवाए, फिर गधों को गुलाब जामुन खिलाए गए और अब जिंदा आदमी की शव यात्रा निकाली गई। आगे आगे रघुपति राघव राजा राम की धुन बजाता हुआ बैंड और उसके पीछे लगाई गई हांडी और कंडों से निकलता हुआ धुआं, अर्थी सजाई गई और फिर शव यात्रा निकाली गई। ये यात्रा पानी के लिए निकाली गई है। दरअसल मंदसौर में पिछले 20 से 25 दिनों से अच्छी बारिश नहीं हुई जिसके कारण फसल सूख रही है। तालाब सरोवर नदियां खाली पड़े हैं। पानी के बिना लोगों का जीवन बेहाल हो रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अपने होने वाले पति और आप पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के साथ महाकाल के मंदिर परिणीति और राघव ने महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। गर्भगृह में प्रवेश बंद होने के कारण दोनों ने ही नंदी
हॉल में से बैठकर बाबा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। और इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा के इस बुलेटिन में इतना ही। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। काश्यप दूसरे ग्रामीण की तलाश जारी। बिलासपुर में सराफा व्यापारी से 39 लाख की ठगी, बैंक में गिरवी मकान दिखाकर ठगी, 39 लाख रुपए लेने के बाद आरोपी पति पत्नी फरार। अंबिकापुर में कुरियर कंपनी से चोरी मामले में दो गिरफ्तार, डिलीवरी बॉय ने की चोरी की साजिश, दोनों आरोपियों के पास 1.31 लाख रुपए जब्त, कुरियर कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। बलरामपुर के चांकी गांव में हाथियों का उत्पात, खेत में लगी फसलों को रौंदा, 35 हाथियों का दल मचा रहा उत्पात। गरियाबंद में पंजाब से आप विधायक हरदीप सिंह मुंडिया का बड़ा दावा, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनाने का किया दावा, फिंगेश्वर में आपने निकाली बदलाव पदयात्रा। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी, आज करेंगे जेल भरो आंदोलन, पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर हैं कर्मचारी। रेल यात्रियों की फिर बड़ी मुश्किलें, SECR ने बड़ी संख्या में रद्द की ट्रेनें, एक साथ 22 ट्रेनें फिर रद्द। तीसरी रेल लाइन के कार्य के चलते ट्रेनें होंगी रद्द, 2 से 8 सितंबर तक ट्रेन रहेंगी रद्द, बड़ी संख्या में चल रही हैं ट्रेनें कैंसिल। रायपुर में निगरानी बदमाशों ने मनाया जन्मदिन, कई थाना क्षेत्रों के बदमाशों ने तलवार से केक काटकर मनाया जन्मदिन, सोशल मीडिया में वीडियो किया व अपलोड। बिलासपुर में त्योहार को देखते हुए रेलवे ने 7 ट्रेनों को किया बहाल, इंटरलॉकिंग और मेंटेनेंस के चलते रद्द हैं 50 से अधिक ट्रेनें, 4 दिन के लिए ट्रेनों को किया गया बहाल। भिलाई में फिर मिले डेंगू के 7 नए मरीज, डेंगू प्रभावितों की संख्या हुई 120, शहर के लोगों की बढ़ी चिंता। बिलासपुर में सड़क पर युवती के साथ अभद्रता, विरोध करने पर युवक को बेरहमी से पीटा, बदमाशों को नहीं कानून का खौफ। जगदलपुर में स्टील कारोबारी पर रेप का आरोप, महिला को दी जान से मारने की धमकी, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। कोरिया में गेज नदी के तेज बहाव में 2 ग्रामीण बहे, मछली पकड़ने गए दो थे दोनों, एक ग्रामीण का मिला शव, दूसरे ग्रामीण की तलाश जारी। बिलासपुर में सराफा व्यापारी से 39 लाख की ठगी, बैंक में गिरवी मकान दिखाकर ठगी, 39 लाख रुपए लेने के बाद आरोपी पति पत्नी फरार। अंबिकापुर में कुरियर कंपनी से चोरी मामले में 2 गिरफ्तार, डिलीवरी बॉय ने की चोरी की साजिश, दोनों आरोपियों के पास 1.31 लाख रुपए जब्त, कुरियर कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। बलरामपुर के चांकी गांव में हाथियों का उत्पात, खेत में लगी फसलों को रौंदा, 35 हाथियों का दल मचा रहा उत्पात। गरियाबंद में पंजाब से आप विधायक हरदीप सिंह मुंडिया का बड़ा दावा, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनाने का किया दावा, फिंगेश्वर में आपने निकाली बदलाव पदयात्रा। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी, आज करेंगे जेल भरो आंदोलन, पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर हैं कर्मचारी।